गहलोत कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे। मुख्यमंत्री गहलोत ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट की बैठक है। प्रदेश में कोविड की स्थिति और ऑक्सीजन की कमी को लेकर मंथन होगा इस मीटिंग के माध्यम से। और आपको बता दें, अर्जेंट बेस पे सीएम अशोक गहलोत ने ये कैबिनेट की बैठक बुलाई है शाम 5 बजे। तो जिस तरह से प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत लगातार हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, प्रदेश के मुखिया की लगातार हालातों पर नजर है, समय समय पर बैठक के माध्यम से मंथन भी किया जा रहा है और आज अर्जेंट बेस पे ये मीटिंग बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, प्रदेश में दो बड़ी चिंता का कारण है। एक तो ऑक्सीजन की कमी है और दूसरा है मेडिसिन को लेके भी एक चिंता बनी हुई है, खासकर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उनको लेके भी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार केंद्र से अपील कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपील की है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके, कि जो प्रदेश में जो डिमांड है, मांग है, इस तरह से पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं उसके अनुरूप वो आपूर्ति होनी चाहिए। तो इसी क्रम में अब अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथियों को भी पूरी स्थिति के बारे में बताने के लिए और सरकार के स्तर पर क्या फैसले होते हैं, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई को लेके और इसके अलावा जो दवाइयां हैं उनको लेके जो भी मंथन होगा, क्योंकि अलग अलग जो इनपुट है वो लेकर कुछ आगे की एक्शन प्लान है वो तय करना होगा। और दूसरा अहम बात ये है कि वैक्सीन को लेके भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगेगी 1 मई से, लेकिन अब ये तय नहीं हुआ है तो वैक्सीन लगाने का तरीका क्या होगा, क्या सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी या राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से लगातार प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, कल ही जो है राजस्थान में 14,000 से अधिक मामले आए थे और अस्पतालों की स्थिति सबके सामने है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है, क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित संख्या में ही हो सकते, सीमित मात्रा में हो सकते हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या एक्शन प्लान हो, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले जो 2 सप्ताह है वो राजस्थान के लिए काफी चिंताजनक है और काफी चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि तमाम संसाधन है वो सरकार अपनी तरफ से झोंक रही है, लेकिन कुछ मामलों पे केंद्र की मदद की भी जरूरत है। तो केंद्र की मदद के लिए भी एक प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में पास किया जा सकता है, खासकर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके जिस तरह से प्रदेश में मांग बनी हुई है उसके अनुरूप तमाम जो जिला स्तर पे जो है उनकी सप्लाई कराना और सप्लाई को उन तक पहुंचाना, अस्पतालों तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये भी एक बड़ा काम है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मुख्य रूप से आज की कैबिनेट में बैठक में जो चर्चा होगी। तमाम जो मंत्री है उनको फोन के ऊपर जो सूचना दी गई है, हालांकि कुछ मंत्री है जो बाहर है जयपुर से, वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक से जुड़ेंगे और माना जा रहा है कि चर्चा के अलावा ही कुछ और अहम जो मुद्दे हैं खासकर कोविड की स्थिति से निपटने के लिए ही उनको लेके भी कुछ फैसले हो सकते हैं। नरेश, देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार इस महामारी से अकेले नहीं निपट सकती, केंद्र की उन्हें मदद की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ जानना ये चाहेंगे कि ऑक्सीजन की राजस्थान की डिमांड क्या है। हालांकि देखिए, मृत्यु दर में भी इजाफा हुआ है, आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हुई है और ऑक्सीजन की भारी कमी है, लेकिन भिवाड़ी प्लांट से 65 टन की बजाय अब 80 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन मिलेगी। ऐसे में राजस्थान की हर रोज की डिमांड क्या है ऑक्सीजन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कल चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, वो इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहना था कि अभी प्रतिदिन जो है वो 250 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि आवंटित जो हुई है वो महज 160 मैट्रिक टन है। और दूसरी अहम बात यह है कि इस महीने के अंत तक, जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस महीने के अंत तक ये जो मात्रा है वो 325 मैट्रिक टन तक पहुंच सकती है। तो उसके अनुरूप जो है वो केंद्र से व्यवस्था करने के लिए कहा कि अभी की मांग और आने वाले समय में जो मांग बढ़ती है उसके अनुसार ऑक्सीजन। नरेश, बिल्कुल, शाम 5 बजे जब ये बैठक होगी निश्चित तौर पर कई मुद्दों पर बातचीत होगी, कोविड की स्थिति पर बातचीत होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।